ये सेव फल की चटनी कितनी अच्छी बनी है और बहुत स्वादिष्ट बनी है। ये इस तरह से आप, अगर आपको अपच है, अजीर्ण है, या आपको खाने में गैस बन रही है, तो खाने के बाद भी आप इसको एक चम्मच खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट भी है और सेहत के लिए भी लाभदायक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं सेव फल की चटनी। नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सेव फल की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाते। तो ये मैंने एक सेव फल लिया है और इसको सिखाने के लिए मैं आपको एक ही सेव फल की बताऊंगी, फिर बाद में और ज्यादा बनाऊंगी। तो ये एक सेव फल को हम छील लेंगे, ये ऐसे चाकू से छील लेंगे एक सेव फल, ये ऐसे पूरी तरह से छील लेंगे। ये मैंने छील लिया है पूरा। अब इसको काट के छोटे छोटे पीस करेंगे। अब ये मैंने सब सेव फल की फांक निकाल ली है। अब ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे इनके, ऐसे पूरे सेव फल के छोटे पीस कर लेंगे। अब मैंने ये छोटी स्टील की कढ़ाई ली है, इसमें मैं एक चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब ये हमारा तेल अच्छा गर्म हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ और जरा सी एक पिंच हींग डाल रही हूँ। हींग से चटनी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब ये सेव फल डाल रही हूँ। अब इसमें हल्का सा सफेद नमक डाल रही हूँ, बाद में हम फिर काला नमक भी डालेंगे, इसलिए सफेद नमक कम डाला है मैंने। अब इसमें दो चम्मच के करीब हम, दो तीन चम्मच के करीब हमने पानी डाल दिया है और अब इसको ढक के पकाएंगे, 10 मिनट पकाएंगे इसको। अभी हमारे सेव फल पक गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं और इसमें हल्का पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। अब इसको हम इससे थोड़ा सा मेश कर लेंगे चटनी को, और थोड़े इसके पीसेस भी रहने देंगे, पूरी तरह से मेश नहीं करेंगे। बीच बीच में इसके जो पीसेस आएंगे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें दो चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून, और इसको अब ये जितना पानी बचा है उसमें हमारी शक्कर जो है उसमें अच्छी चाशनी बन जाएगी। अब 2 मिनट इसको थोड़ा सा मीडियम आंच कर देंगे इसकी, अब इसको पकाएंगे। अभी हमारी चाशनी अच्छे से हो गई है, शक्कर इसमें अच्छे से ऊंची चाशनी आ गई है। अब इसमें ये आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और आधा से भी कम ये थोड़ा सा लाल मिर्च डाली है। अगर आप तीखा खाना चाहते हो तो ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें सौंठ पाउडर डाल दिया हमने। सौंठ पाउडर से स्वाद अच्छा आता है। अगर आपके पास सौंठ पाउडर ना हो तो आप थोड़ा अदरक घिस के भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सिक्का जीरा डालेंगे, ये 1 टीस्पून हमने सिक्का जीरा इसमें डाल दिया है। अब इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। अब ये आधा नींबू का रस डालेंगे क्योंकि नींबू हमारा बड़ा था, अगर छोटा नींबू हो तो आप 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। हमने इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया। नींबू का रस डालने से क्या होता है, हमारी जो चाशनी है वो थिक नहीं होती और अच्छा स्वाद आता है इसमें। अब ये इसमें थोड़ा काला नमक डाल रही हूँ। काले नमक से क्या होता है, स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी हमारी चटनी तैयार है और इसको आप 12 महीने भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी क्योंकि इसकी हमने चाशनी अच्छी थिक कर ली थी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।